कर दिया जीवन को बलिहार, शिव पर कर दिया कर दिया जीवन को बलिहार, शिव पर कर। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21/10/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बड़ा प्यारा है, हम सब आशिकों का माशुक कौन है? शिव बाबा है। तो हम सभी बच्चे द्वापर युग से लेकर के बाप के आशिक बन करके और बाप के आने का इंतजार करने लगे और इंतजार करते 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 हाँ मीठे मीठे बाबा आए और अब आए हैं तो हमें भक्ति का भी फल दिया और फिर अब साथ साथ हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन का परिवर्तन कर हमें फिर से सतो प्रधान बनाकर फिर से अपने घर को साथ में ले जाएंगे और फिर हमारे लिए नई दुनिया बाबा बना रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं, फिर हमें नई दुनिया का मालिक बनाएंगे। तो हम ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद करते हुए आज की ज्ञान मुरली को सुनते हैं। तो ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ, एक मुझ माशुक को याद करो, याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है आज का, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म यानी आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म और फरमान है कि देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को भी दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। देखो कितने सारे फरमान, एक तो देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो, फिर बाप और राजधानी को याद करो, तीन चलन को सुधारो, चार बहुत बहुत मीठे बनो, पांच कोई को दुख मत दो, छह याद में रहने की आदत डालें, सात स्वदर्शन चक्रधारी बने, आठ और कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, नौ तो नौ रत्नों की अंगूठी बाबा ने हम बच्चों को हमने प्रतिज्ञा की तो पहना दी। हाँ तो हमारे माशुक ने हम आशिकों को नव रत्न की अंगूठी पहना दी। हाँ तो आप सभी ने अपने माशुक शिव बाबा से आशिक बन करके कभी भी प्रीत तोड़ेंगे नहीं, सदा ही निभाएंगे ऐसा वायदा करके और जो श्रीमत मिली है उसका पालन करेंगे, ऐसी ये नव आज्ञाओं को स्वीकार करते हुए रिंग पहनी। हाँ सभी रिंग पहनो, तो नव रत्न की बाबा ने आज हमें रिंग पहनाई। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर एक कि एक बाप में ही पूरा लव रखना है। हाँ देखो बाबा सच्चा सच्चा हमारा प्रेमी है, साजन है, हाँ तो फिर बाबा को सहन नहीं होगा और ना होता है, तो बाबा कहते हैं बस एक मेरे से ही लव रखो। हाँ फिर बाबा से लव रखने के बाद दूसरा किसी से लव रखेंगे
तो बाबा को पसंद नहीं। तो एक बाप में ही पूरा लव रखना है और सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है और एक की ही याद में रहना है। बाबा की याद छोड़ के किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। नंबर दो, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है आज का, अधिकारीपन की स्थिति के द्वारा बाप को अपना साथी, हाँ, जीवन साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का बड़ा सहज तरीका है अधिकारपन की स्थिति। क्या? मेरा बाबा, बस ये मेरा बाबा कह दिया और बाप के ऊपर हमारा अधिकार हमने जमा दिया। तो ये सहज तरीका है। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। हाँ, यदि इन तीन शक्तियों को हमें प्राप्त करना है तो ये शक्तियाँ एकाग्र बुद्धि से बाबा को याद करने से आती है। जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। स्लोगन है आज का, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और फिर विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।